अस्सलामु अलैकुम क्लास 8 साइंस किडनी एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 2। ये आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, कॉपी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं हम। बेटा यहाँ पर आप टाइटल पेज बनाएंगे, जैसा मैं आपको लास्ट वीडियो में किडनी की डायग्राम जो है वो बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आप किडनी को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे किडनी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पर किडनी की डायग्राम बनेगी और उसको लेबल डायग्राम बनेगी, वो आपका टाइटल पेज होगा। इस तरीके से लिखकर मुझे आप अपना कॉपी वर्क चेक करवाएंगे, वो आप लोगों का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चलें अब हम यहाँ से डिस्कस करते हैं एक्सक्रीशन एंड डिफेक्शन। यहाँ से हम अपना ये करते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। एक्सक्रीशन क्या होता है, वो रिमूवल फ्रॉम द बॉडी ऑफ हार्मफुल वेस्ट, जो बॉडी में हार्मफुल वेस्ट होते हैं वो रिमूव होते हैं, हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है दैट वर फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और डिफेक्शन जो होता है वो सॉलिड पार्ट जो होते हैं, सॉलिड पार्ट ऑफ आर फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं होते वो रिमूव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि किडनी के फंक्शंस को कोई से भी आप दो जो है मेन फंक्शंस आप किडनी के बता दें। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर अपने लेक्चर में डिस्कस किया है क्या है किडनी एज अ फिल्ट्रेशन जो है वो वर्क करता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखें आप, किडनी गेट रिड ऑफ और एक्सक्रीट सम वेस्ट केमिकल्स इंक्लूडिंग सम सॉल्ट। यहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ से क्या चीज़ एक्सक्रीट आउट हो रही है, क्या चीज़ रिलीज हो रही है, वेस्ट केमिकल्स रिलीज होते हैं और कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो कि उसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा देखें, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी इज केप्ट स्टेडी बाय द किडनीज, अमाउंट ऑफ वाटर किडनी में स्टोर होता है। और वेस्ट होता है लिक्विड, जो हमारा वेस्ट मटेरियल पास आउट होता है किडनी से वो क्या होता है, वो लिक्विड मटेरियल पास आउट होता है। मैं फिर से बता रही हूँ, किडनी हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, लिक्विड पास आउट हो रहा होता है हमारी बॉडी से, जिसे हम यूरिन कहते हैं, एंड इज स्टोर इन द ब्लैडर, जो कि ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, किडनी हमारे पास, किडनी का सबसे मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो कि हमारी यूरिन को फिल्टर कर रहा होता है। Why are the lungs considered to be an organ of excretion? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि excretory organ क्यों कहा जाता है lungs को। बेटा lungs को excretory organ इसलिए consider किया जाता है because यहाँ पर क्या होता है, देखें जब हम respiration का process हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, respiration के process में हम oxygen को जब inhale कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, carbon dioxide को release कर रहे होते हैं, carbon dioxide को exhale कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर इससे एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये होता है बिकॉज दे रिड द बॉडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन। हमारी बॉडी से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा होता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है रिस्पायरेशन का। अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूँ तो हमारे पास इक्वेशन में क्या होता है, देखें ग्लूकोज होता है हमारे पास, ग्लूकोज का अगर मैं ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या जाके बन रहा होता है, हमारे पास बन रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो जैसा कि हमें यहाँ पर बताया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है रिस्पायरेशन का। अब रीजन है हमारे पास यहाँ के, व्हाई योर बॉडी बिकम हॉट, यू स्वेट थ्रू द पोर्स इन योर स्किन, स्वेट कंटेंस वाटर सॉल्ट एंड यूरिया, डू यू थिंक द स्किन शुड बी कॉल्ड एन एक्सक्रीटरी, से व्हाई। देखिए यहाँ पे हमारे पास रीज़न है, हमारे पास ये कह रहे हैं कि आपकी जो बॉडी है जब हॉट हो जाती है तो वहाँ से क्या होती है, पोर्स होते हैं हमारी बॉडी में, स्किन में हमारे पोर्स, छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं जहाँ से हमें स्वेटिंग हो रही होती है। और जो स्वेट्स होते हैं, स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से हमें स्वेटिंग हो रही होती है, वो किस पर कंटेन होते हैं, वाटर सॉल्ट एंड यूरिया। आप डू यू थिंक द स्किन शुड बी कॉल्ड एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी आप ये आप क्या सोचते हैं, और अगर है तो क्यों है। देखें इसका आंसर है हमारे पास, द स्किन शुड बी कॉल्ड एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हम कहना चाहिए बिकॉज इट रिड द बॉडी ऑफ सम ऑफ द यूरिया फॉर्म व्हेन एक्सेस प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन बाय द लिवर। जब एक्सेस प्रोटीन होती हैं वो हमारी लिवर में ब्रेक डाउन होती हैं उनकी, तो हमारी बॉडी से क्या होती हैं कि वो यूरिया की जो फॉर्म में होती हैं वहाँ से क्या होता है, हमारे पास स्वेटिंग हो रही होती है, हमारी बॉडी में जो हमारी स्किन पे पोर्स मौजूद होते हैं वहाँ से हमें स्वेटिंग हो रही होती है। ये सब क्यों होता है, देखें यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, सम ऑफ द यूरिया फॉर्म व्हेन एक्सेस यूरिया प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है जब एक्सेस प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है लिवर में। नेम टू मटीरियल्स विच आर एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी, से फ्रॉम विच ऑर्गन्स दिस मटीरियल आर एक्सक्रीटेड। तो अब हमने बताने हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल्स बताने हैं हमने अपनी बॉडी में। एक तो है बेटा, मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था लंग्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर दी एक्सक्रीट फ्रॉम दी लंग्स। देखें लंग्स से हमारे पास क्या चीज़ एक्सक्रीट आउट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और फिर यूरिया इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम दी किडनी, किडनी से हमारे पास यूरिया एक्सक्रीट हो रहा है टू अ लेजर एक्सटेंट फ्रॉम दी स्किन इन स्वेट। ठीक है,
अब हमारे पास यूरेटर और यूरेथ्रा का डिफरेंस हमें बताना है। देखें यूरेटर क्या है, हमारे पास एक ट्यूब होती है जो कि यूरिन कैरी करती है फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर तक, और यूरेथ्रा जो है वो हमारे पास करता है कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यूरेटर हमारे पास बेटा यूरेटर क्या होता है, एक ब्लैडर होता है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, लेकिन यूरेथ्रा वो है जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। रेनल आर्टरीज और रेनल वेंस का डिफरेंस बताना है हमने। तो रेनल आर्टरीज, जो ब्लड रेनल आर्टरीज में मौजूद होता है, कंटेन अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया एंड अनवांटेड मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। इसमें जो यूरिया और अनवांटेड मिनरल्स एंड सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है। बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है रेनल वेन के अंदर, उस यहाँ पर जो कंसंट्रेशन हाई है वहाँ पर जो है हमारे पास यूरिया और अनवांटेड मिनरल्स एंड सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास लो होती है। दैट्स ऑल अबाउट कॉपी वर्क। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।